हेलो, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे 2073 भाद्र का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है रिएक्शन एट सपोर्ट बी फाइंड करने के लिए। तो हमें रिएक्शन निकालना है एट सपोर्ट बी एंड बेंडिंग मोमेंट एट ई। एज वी कैन सी, ये जो हमारा बीम दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अ नॉर्मल टाइप ऑफ बीम, ये ओवरहैंग बीम है। जैसे कि हम एक नॉर्मली एक बीम दिया जाता था, दैट इज हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। पर यहाँ पे हिंज सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट में बीम बोथ साइड में इलोंगेट हो रहा है, इस पार्ट में भी एंड इस पार्ट में भी, यहाँ का ए बी सी एंड डी। तो इसका इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम कैसे बनाएंगे? वो द रिएक्शन एट सपोर्ट बी, सिंपली जो हमारा सपोर्ट पॉइंट है लाइक बी एंड सी, तो इसको हम नॉर्मली करेंगे। जैसे कि हमें बी पे फाइंड करना है सपोर्ट रिएक्शन, सो हम इसे वन से इलोंगेट करेंगे, दैट इज वन, एंड ऑटोमेटिकली हमारा जो सी पॉइंट है विल गो ऑन जीरो, इसे ज्वाइन कर देंगे। नाउ अब आया टर्न हमारा इलोंगेटेड पार्ट का, जो कि आउटसाइड ऑफ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट यहाँ पे लग रहा है और ये इसके बाहर जा रहा है, बीम इसके बाहर जा रहा है। तो इसका ड्रॉ कुछ इस तरीके से होगा, इट इज डी पॉइंट एंड इट विल गो हायर। यहाँ हमारा वन है और यहाँ हमारा हो जाएगा एल प्लस ई बाय एल। अब ये भी एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे एल प्लस ई बाय एल क्यों है, बस यहाँ पे मैंने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना के दिखाया है ताकि आप समझो कि कैसे हो रहा है। और यहाँ पे होगा हमारा एफ बाय एल, और मान लीजिए यहाँ पे ई है क्योंकि हमें चाहिए तो नहीं, रिएक्शन में ई नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको ए भी अगर कंसिडर करना है तो आप ये कर सकते हो ई पॉइंट। तो ये टोटल जो होता है हमारा एल होता है। रिमेंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा एल बिल्कुल नहीं होगा, वो सपोर्ट रिएक्शन के बीच से होगा। सपोर्ट रिएक्शन जहाँ पे होता है उसी के बीच में हमारा जो वैल्यू दैट इज एल, यहाँ ए से लेकर बी तक हमारा टोटल बीम है ओवरहैंग बीम, तो इधर से लेकर इधर तक कभी मत करिएगा, दैट इज रॉन्ग। ये हमारा सपोर्ट रिएक्शन के बीच में होता है एल, और इस पार्ट को हम डिनोट करते हैं ई से, और ये पार्ट हमारा हो जाता है एफ। अब क्योंकि ये अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव होता है और ये डाउनवर्ड है सो नेगेटिव होता है। अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी कि ये एल प्लस ई बाय एल क्यों है और ये एफ बाय एल क्यों है। सो बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल हम कैलकुलेट करेंगे ये वाला एक्स वन के लिए। तो एक्स वन आप देखोगे तो इट इज़ अ बिगर ट्राइंगल, ये जो पोर्शन है ये पूरा वाला दैट इज़ अ बिगर ट्राइंगल, और इन कंपेरिजन हम ये जो ट्राइंगल है ये वाला पोर्शन दैट इज स्मॉलर ट्राइंगल। बट ये स्मॉलर ट्राइंगल और ये बिगर ट्राइंगल दे आर बोथ द सिमिलर ट्राइंगल्स, सो यू कैन यूज द सिमिलर ट्राइंगल प्रॉपर्टी दैट इज एक्स वन डिवाइडेड बाय दैट इज दिस इज बोथ एल, ये जो ए प्लस बी को जो जोड़ेंगे दैट इज एल, सो ई प्लस एल इक्वल्स टू, यह हमारा स्मॉलर ट्राइंगल में हमारा हो जाएगा वन बाय एल। आर यू गेटिंग इट? तो हाइट है एक्स वन, एक्स वन बाय ई प्लस एल, एंड स्मॉलर ट्राइंगल में वन जो हाइट है हमारा वन, एंड बी से लेकर सी से डिस्टेंस, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस दैट इज एल, सो एक्स वन इक्वल्स टू ई प्लस एल बाय एल या फिर एल प्लस ई बाय एल। तो हमारा एक्स वन का वैल्यू हो जाएगा एल प्लस ई बाय एल। तो आपको अगर एग्जाम में ये वैल्यू पता होगा तो आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो। एंड एक्स टू बाय, अब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, हम ये स्मॉलर ट्राइंगल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसका वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। यहाँ का जो डिस्टेंस है, यहाँ का जो डिस्टेंस दैट इज वन, एंड यहाँ का जो डिस्टेंस दैट इज एल, सो एक्स टू डिवाइडेड बाय एफ, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल प्रोपोर्शनली सिमिलर है, सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगा। एक्स टू बाय ये जो डिस्टेंस दैट इज एक्स टू बाय एफ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे जो प्रोपोर्शनली इसका प्रोपोर्शनल में ये आता है सो वन, एंड इसका प्रोपोर्शनल में हमारा ये पॉइंट आता है बी टू सी दैट इज एल, सो एक्स टू इक्वल्स टू, सॉरी एक्स टू इक्वल्स टू एफ बाय एल, सो इट इज एफ बाय एल।
अगर आपको ये वैल्यूज पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, बस इसीलिए मैंने ये पढ़ाया है। बाकी मैं सॉल्यूशन अब करने वाली हूँ। इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर रिएक्शन एट सपोर्ट बी। ए से स्टार्ट करेंगे, तो ए से बी जो है हमारा ट्रेपेजॉइडल एक शेप आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू होगा, सबसे पहले तो हमारा लोडिंग कितना लग रहा है, 10, तो 10, फिर और यहाँ पे 1/2 ए प्लस बी, मतलब ये और ये वैल्यू 4/3 + 1, 4/3 + 1, और जो डिस्टेंस है ए से बी तक दैट इज 2। एज यू कैन सी ये पॉजिटिव है एंड ये भी पॉजिटिव है, दिस इज नेगेटिव। बीम के जो अपवर्ड में है दैट इज पॉजिटिव, और बीम के जो डाउनवर्ड में आएगा दैट इज नेगेटिव। सो प्लस, अब बी से लेकर सी तक, तो एज यू कैन सी ये एक ट्राइंगल है, सो 1/2 × b × h सिंपली। तो हमारा बी का तो हम पता है 6 है, और हाइट, जो हाइट है हमारा दैट इज 1, एंड लोड कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 40। सो 40। नाउ इट्स टर्न फॉर सी टू डी। सो सी टू डी में हम देख सकते हैं यहाँ माइनस है, सो माइनस, अब 1/2 × b, मतलब हमारा जो डिस्टेंस है 2 × h, मतलब ये डिस्टेंस देर इज 1/3, एंड लोड कॉन्सेंट्रेशन है 10। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, दैट विल बी 70, सॉरी दैट विल बी 70/3 + 120 -10/3, जिसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 140। यू कैन डू दैट इन कैलकुलेटर। सो रिएक्शन है, सो यहाँ किलो न्यूटन होगा। सो ओवरहैंग बीम के लिए हम इस तरीके से इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बना सकते हैं, एंड रिएक्शन एट सपोर्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ विल कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट एट ई पॉइंट। अब टर्न है हमारा बेंडिंग मूवमेंट एट ई कैलकुलेट करने का। तो बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट करने के सबसे पहले तो हमें ILD का डायग्राम चाहिए, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। सो इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम विल बी लाइक, ये हमारा लाइन हो गया, यही बीम का लाइन है ये, और हमारा ये बी पॉइंट दैट इज सी पॉइंट। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारा सपोर्ट लग रहा है। सबसे पहले हम सिंपली जैसा हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वही करेंगे। तो यहाँ पे ई पॉइंट ये रहा, ई पॉइंट में AB/L दैट इज पॉजिटिव, ये हमारा ई पॉइंट है। अब क्या करना है हमें, हमारा यहाँ पे इलोंगेट हो रहा है ए, और यहाँ पे डी इलोंगेशन हो रहा है यहाँ पे, तो सिंपली दिस विल गो डाउनवर्ड, और यहाँ से भी ये डाउनवर्ड जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव सॉरी नेगेटिव। तो ऐसे ही करके हम इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाएंगे फॉर बेंडिंग मोमेंट। जैसे मैंने सिखाया था शेयर फोर्स में X1 एंड X2 करके कितना वैल्यू आ रहा होता है हमारा ओवरहैंग बीम में X1 एंड X2 का, वैसे ही मैंने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट में हमारा जो डायग्राम होगा उसके अनुसार X1 एंड X2 का कितना वैल्यू आ रहा होगा, सो दैट वी कैन डू द क्वेश्चन डायरेक्टली एंड ईजिली। तो X1 का जो वैल्यू दैट इज EB/L, एंड X2 का जो वैल्यू दैट इज AF/L। दिस इज द इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट एट ई। तो आपको अगर ओवरहैंग बीम का अब बेंडिंग मोमेंट बनाना है, बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, सो कुछ इस तरीके से वो बनेगा, और वैल्यूज मैंने यहाँ नोट पे निकाल के समझा दिया है। नाउ अब हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने यहाँ शेड करके रखा है बिकॉज यहाँ पे UDL लग रहा है। इफ हमारा पॉइंट लोड लगता तो हम यहाँ पे शेड नहीं करते, शेड जो है हमारा UDL को दर्शाता है। नाउ बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट ई। तो सबसे पहले हम ए से स्टार्ट करेंगे, तो एज यू कैन सी दिस शेप इज अ ट्राइंगल, सो ऑब्वियसली 1/2 × b × h, तो बी हमारा 2 है, एच हमारा ये डिस्टेंस जो है दैट इज एच, सो इट इज 4/3 ब्रैकेट क्लोज इंटू, अब हमारा यूडीएल का जो लोड है दैट इज 10 kN/m, तो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखना है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव, सो इट इज नेगेटिव, सो नेगेटिव। अब हमें यहाँ का निकालना है जो पॉजिटिव पोर्शन है, आप चाहो तो इसे एक ही बार में निकाल सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल एज अ टू ट्राइंगल रेफर करूंगी। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, तो
तो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, सबसे पहले तो 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो बी हमारा है 2 एंड एच ये जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट इज 4/3, सो 4/3 एंड लोड कंसेंट्रेशन है हमारा 40, अगेन पॉजिटिव। अब हम कंसिडर करेंगे ये वाला ट्राइंगल, तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, सो 4 × 4/3, लोड कंसेंट्रेशन इज 40 एंड नाउ नेगेटिव। वाई? बिकॉज नाउ वी आर डूइंग दिस ट्राइंगल सी टू डी पॉइंट, तो हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू बी इंटू एच, ऑब्वियसली 2 एंड 2/3, 2/3 हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई विथ लोड कंसेंट्रेशन दैट इज 10। हमारा वैल्यू कितना आएगा, दैट इज -40/3 -20/3 +160/3 +320/3, तो वैल्यू हमारा फिर से 140 आएगा, दैट इज किलो न्यूटन मीटर। जरूरी नहीं कि सब में शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वली आए, यहाँ पे कोइंसिडेंस हुआ है। सो आपको मैंने यहाँ पे सिखा दिया इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर शियर फोर्स कैसे बनाना है और इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर बेंडिंग मोमेंट कैसे बनाना है फॉर द केस ऑफ ओवरहैंग बीम। ये ऐसा जो बीम होता है दैट इज ओवरहैंग बीम। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट। होप आपको ये वीडियो हेल्प करे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।